नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं रितु, और आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोड शो हुआ संपन्न। कांग्रेस के सामूहिक उपवास के चलते सांसद कुमारी शैलजा पहुंची यमुनानगर। तेज रफ्तार गाड़ी ने सब्जियों की दुकान में मारी टक्कर। मुख्यमंत्री ने किया मानकपुर लक्कड़ मंडी का दौरा। आरक्षण मुक्त भारत संगठन ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी रहा जारी। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोड शो हुआ संपन्न। रोड शो के चलते जगाधरी बाजारों में दिखी लोगों की भारी भीड़। रोड शो टाउन हॉल जगाधरी से शुरू होकर चौक बाजार, प्रकाश चौक, शर्मा टेंट, जगाधरी व मटका चौक से होते हुए जगाधरी सायं 7 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवर पाल, यमुनानगर के तीनों विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान जगाधरी के बाजारों में लोगों का खास हुजूम देखने को मिला। सीएम खट्टर ने जगाधरी के बाजारों में से निकलते हुए लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि पूरे प्रदेश में मौजूदा सरकार ने चौक चौमुखी विकास किया है और आगे भी होगा, ऐसे ही लोगों के काम करवाते रहेंगे। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के चारों विधायक हर समय लोगों के काम करवाने के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस के सामूहिक उपवास के चलते सांसद कुमारी शैलजा पहुंची यमुनानगर। विपक्षी पार्टियों पर साधा जमकर निशाना। SC ST एक्ट में संशोधन को लेकर पूरे देश में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुए दंगों में दलितों के खिलाफ हुए मामलों में राजनीति तेज हो रही है। इसी उपलक्ष्य में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सामूहिक उपवास कर रही है, जिसमें यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी में राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा पहुंची। कुमारी शैलजा ने मौजूदा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले समय JP सरकार द्वारा जो देश का ताना बाना बिगड़ने की कोशिश की है, उसको लेकर दोबारा समाज में एकजुटता लाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी देश में सामूहिक उपवास कर रही है, लेकिन यमुनानगर में पार्टी की गुटबाजी खुलेआम देखने को मिली। जगाधरी की अनाज मंडी में तंवर ग्रुप एवं शैलजा ग्रुप दोनों अलग अलग टेंट लगाकर बैठे हुए थे। पार्टी में गुटबाजी के ऊपर पूछे गए सवाल में शैलजा ने कहा कि उनकी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, वे सब पार्टी के आदेश का पालन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन खुलेआम पार्टी की गुटबाजी को कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा नकारती हुई नजर आई। आज हम आंशिक रूप से अनशन पर बैठे हैं सभी कांग्रेसजन। सुबह से शाम तक हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कॉल दी है देश भर में। हम कांग्रेसजन बैठे ताकि पिछले समय में जो हमारे पूरे समाज का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की गई है इस भारतीय जनता पार्टी और RSS द्वारा, दोबारा से समाज में सौहार्द लाएं, एकजुटता लाएं, एकता लाएं। और दूसरी ओर जैसे 2 तारीख को भारत बंद के दौरान इतनी हिंसा हुई, कितने मासूम जाने गई, और हमारा जो दलित वर्ग उसको जिस तरह से ठगा गया और उनका इंटरेस्ट, उनको इंसाफ मिलना इस सरकार में मुश्किल है, नामुमकिन है। इन सभी बातों के खिलाफ आज हम कांग्रेसजन यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। वो कोई बात नहीं है, देखो सब जहाँ बैठ रहे हैं कांग्रेस के लिए बैठ रहे हैं, तिरंगे के नीचे बैठ रहे हैं, राहुल जी की बात को लेकर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं लोगों में, तो ऐसी कोई बात नहीं। तेज रफ्तार गाड़ी ने सब्जियों की दुकान में मारी टक्कर। दुकान में खरीदारी कर रहे 4 लोगों को आई चोटें। शहर में सड़क हादसों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
ताजा मामला रिक्शा चौक के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार टाटा एस गाड़ी ने फल और सब्जियों की दुकान में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी दुकान की सभी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। वहीं दुकानों में खरीदारी कर रहे कुछ खरीदारों को भी चोटें आई हैं। हादसे के चलते दुकान के मालिक को गंभीर नुकसान हो गया। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। मामले में फिलहाल चोटिल लोगों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जो तो यहाँ बैठे हुए थे वो तो एकदम से आया, जैसे रॉकेट आता है वैसे लेके गाड़ी आ गया। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं, कोई नहीं, सीधा वहाँ से घुमाई। हमने देखा इतनी तेज आवाज आ रही है, उधर देखते 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 गाड़ी अंदर ले गए और मैं सिर्फ दीवार के साथ लग गया। एकदम तीन लेडीज थे दुकान पे, चार हम बंदे थे दुकान पे, और ऐसे आया दुकान के अंदर जैसे स्पेशल मारने के लिए आया हमें। सीधा छोड़ा लोगों ने। तो कोई जानकार है, जानकार था या वैसे कोई? यार वो तो कैमरा में पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बंदा कौन है वो मेरे को नहीं पता है। बाकी हमें सबसे पहले था भी जो लेडीज लोगों के अंदर चीख पुकार पड़ गई, पहले उन लोगों को देखा जाए भी किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। तो कुछ है पहले उनको बचाओ गया, उनको बचाओ गया। बाकी लांबा जी थे दुकान पे, बंदा भाग गया। वो बंदा कैसे भागा, वो पब्लिक को नीचे जो नीचे आए तो उनको बचाने के लिए लगे थे हम, इतने में बंदा भाग गया। वो हाँ चोटें काफ़ी लगी हैं उनको जी, हॉस्पिटल में है वो। हाँ मैं सुबह 7:45 की दुकान पे खड़ी हूँ और 12 बजे मैं 12:15 दुकान पे गई हूँ। 12:20 में हुए मेरे खाले, 12:20 में 12:30 मेरे नीचे आ गई तड़ाल करते, मैं एकदम तड़ाल की आवाज़ सुनी, चार लेडीज़ खड़ी थी उसे, उन्होंने सट्टा लगियाँ ने जी लेडीज़ ने, उन्होंने पता नहीं बेचारे की हाल है की नहीं। मुख्यमंत्री ने किया मानकपुर लक्कड़ मंडी का दौरा, आढ़तियों की शिकायतों पर की चर्चा। यमुनानगर में कल रोड शो के माध्यम से जनता से मुखातिब होने के बाद आज सुबह सीएम मानकपुर स्थित लक्कड़ मंडी पहुंचे और लक्कड़ मंडी का दौरा किया। इस दौरान आढ़तियों ने अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। मानकपुर लक्कड़ मंडी पर बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मानकपुर लक्कड़ मंडी काफी वर्षों से विवाद में फंसी हुई है, डिपार्टमेंट और व्यापारियों के बीच समझौता नहीं हो रहा है और इस काम को प्रायोरिटी पर लेकर जल्दी से मीटिंग करवा के इस पूरे मामले को हल कराया जाए। साइज के प्लाट टिम्बर्स मर्चेंट्स विक्रेताओं को चाहिए उस प्रकार के बनाकर दिए जाएंगे, लेकिन इन्हें जो सुविधा चाहिए उसके अनुसार परमानेंट प्लॉट्स दिलवाए जाएंगे ताकि लक्कड़ मंडी सफल हो सके और लकड़ी के व्यापारी यही आकर लकड़ी की खरीद बेच कर सके और सड़कों के किनारे शहर में जो ट्रैफिक जाम होता है वह स्थिति समाप्त हो सके। मानकपुर लक्कड़ मंडी काफी वर्षों से ये एक विवाद में फंसी हुई है, डिपार्टमेंट में और व्यापारियों के बीच में समझौता नहीं हो रहा है। अब इसको प्रायोरिटी पर लेकर के जल्दी से इसकी मीटिंग करा के और इस सारा सलूशन इसका कराया जाएगा, क्योंकि जिस साइज के प्लॉट इनके लक्कड़ टिमर मर्चेंट्स को जो चाहिए व्यापारियों को विक्रेताओं को, उस प्रकार के प्लॉट से ना बना करके छोटे शेड बनाए गए हैं। अब क्या इसमें कठिनाई रही होगी तो डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे, लेकिन जैसा इनको सुविधा चाहिए उसी हिसाब से इनको परमानेंट प्लॉट्स जो है वो दिलवाए जाएंगे ताकि लकड़ मंडी जो है सफल हो सके और लकड़ी के जो व्यापारी हैं यहीं आकर के लकड़ी की सेल और खरीद बेच कर सकें ताकि शहर के अंदर सड़कों के किनारे जो ट्रैफिक जाम होता है वो स्थिति समाप्त हो सके। उपवास नहीं, उपवास का भी उपहास किया उन्होंने, सवेरे नाश्ता करके आए बाद में आके उपवास पर बैठ गए। कम से कम उपवास का उपहास ना करें ताकि उनके ऊपर कोई उपवास करने वालों पर लोगों का भरोसा जम सके, उपवास का मजाक ना उड़ाएं। आरक्षण मुक्त भारत संगठन ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। SC ST एक्ट 1979 में किए गए बदलाव का किया समर्थन। आरक्षण मुक्त भारत संगठन ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला SDM को ज्ञापन सौंपा। संगठन की मांग है कि जनरल व OBC समाज की पढ़ाई फ्री में की जाए, नौकरियों के लिए भरे जाने वाले फॉर्म्स की फीस बंद हो। इसके साथ ही उनका कहना है कि नौकरियों में आरक्षण बंद किया जाए। आरक्षण मुक्त भारत संगठन SC ST एक्ट 1979 में किए गए बदलाव का समर्थन करता है। आज हम अपने यमुनानगर जिले से, हरियाणा प्रांत के यमुनानगर जिले से सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं और हमने यहाँ पर SDM साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हमने आरक्षण के विरोध में ज्ञापन दिया है। आरक्षण ने हमारे देश, भारत देश को बर्बाद करके रख दिया है। हमारी जनरल OBC इतनी बर्बाद हो चुकी है, उन्होंने जमीनें तक बेच दी हैं आरक्षण के ही कारण। इन्होंने बहुत ही नीचे चले गए हमारे जनरल OBC भाई। आरक्षण के विरोध में हमने आज अपने SDM साहब को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है जी। और जो SC ST एक्ट में 1989 के एक्ट में बदलाव हुआ है उसका हम समर्थन करते हैं। कुछ पहले निर्दोष लोगों को सजा मिलती थी, कुछ लोग ऐसे ही जाके रिपोर्ट दर्ज करा देते थे थाने में कि भाई हमें गलत अपशब्द कहे हैं। कुछ लोग कहते भी नहीं थे पर वो जाके थाने के अंदर
लिखवा देते थे, FIR करा देते थे और पुलिस उनको बेझिझक जाके गिरफ्तार कर लेती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ये फैसला दिया है कि SC ST केस में बदलाव किया है कि अब किसी की भी ऐसे गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी की भी ऐसे निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी अगर कुछ किसी ने भी गलत शब्द कहे हैं। अदरवाइज जिसने गलत रिपोर्ट कराई है उसको ही गिरफ्तार किया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी रहा जारी। अपनी मांगे पूरी न होने के चलते प्रदर्शनकारियों ने जताया रोष। रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला यमुनानगर का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता खंड रादौर प्रधान नरेंद्र अग्रवाल ने की तथा संचालक खंड सचिव प्यारेलाल तवर ने किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार रिटायर्ड कर्मियों की मांगों की अनदेखी कर रहा है। प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि 70 और 75 वर्ष की आयु उपरांत 20% और 25% बेसिक पेंशन में वृद्धि की जाएगी, साथ ही कर्मचारियों का मेडिकल भत्ता बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने अब तक इन बातों पर अमल नहीं किया है, जिसके चलते रिटायर्ड कर्मियों 13 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में धरना जारी रखेंगे। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो रिटायर्ड कर्मी आंदोलन तेज करने के बारे में विचार करेंगे। मैं विनोद कुमार त्यागी, जिला प्रेसिडेंट रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा। हमारा ये प्रदर्शन है ये 13 अप्रैल तक चलेगा। हमारी जो मांग है, सरकार ने जो संशोधन पेंशन लागू मतलब शुरू की थी उसको इन्होंने डंप कर दिया, उसको रोक दिया। हमारा ये है कि वो संशोधित पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू हो। और जो सरकार ने माना था कि 75 साल में जो रिटायर्ड कर्मचारी है उसको 25% बेसिक इंक्रीज कर दी जाएगी, और ये वादा कर रहा था कि भाई मेडिकल अलाउंस जो है, मेडिकल भत्ता, वो तुरंत बढ़ाकर लागू किया जाए, वो नहीं किया। और 1/1/2006 से जो लोग रिटायर हुए थे छठे वेतन आयोग, उनको 1/1/2006 से पेंशन लागू की जाए और 50% जो पेंशन है वो दी जाए। और दूसरा ये है कि जो कैशलेस मेडिकल सुविधा, सरकार ने मानी थी कि भाई जो कर्मचारी बीमार होगा वो हॉस्पिटल में एडमिट हो और जो भी खर्चा हुआ आएगा, हमारी मांग थी कि वो सरकार से ली। इन्होंने क्या किया कि उसको क्या कर दिया, एक तो 5 लाख तक सीमित कर दिया, कुछ बीमारियों पर सीमित कर दिया। अब जैसे कैंसर है, अब कैंसर थर्ड स्टेज में इलाज होगा तो पैसे मिलेंगे, अब थर्ड स्टेज में तो आदमी बचता ही नहीं। तो उसको इन्होंने एक उसमें जो उसकी पत्नी है रिटायरी की, उसको नहीं मिलेगा। तो इन सब मांगों को लेकर के हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक ये सरकार हमारी मांग नहीं मानती, ये धरने के बाद भी हम कार्यक्रम आगे बनाएंगे। और 29 अप्रैल जो सर्वकर्मचारी संघ की रैली है, रिटायर कर्मचारी संघ भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा, और आने वाले समय में रिटायरों की जो समस्याएं हैं उनको मतलब दूर करेंगे। दूसरी बात, जो पुरानी पेंशन स्कीम है जो 2006 के बाद जो लगे हैं, है जी, तो उनको इन्होंने पेंशन बंद कर दी। हमारी मांग है कि 2006 से स्टेट में और 2000 सेंटर में चार से जो कर्मचारी लगे हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम तहत लिया जाए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।